गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कविता सरकार। आज मैं आपको कक्षा चौथी का पर्यावरण पढ़ाऊंगी। पार्ट 22 आवाज। आवाज क्या है? तो आवाज के जरिए हम किसी भी चीज को पहचान सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह आवाज पहुंचाने के लिए हम टेलीफोन मोबाइल का उपयोग करते हैं। हम रोजाना तरह तरह की आवाजें सुनते हैं, जैसे ताले की आवाज, घंटी की आवाज, दरवाजे खोलने की आवाज, गाड़ी के हॉर्न की आवाज। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आवाज में मिठास होनी चाहिए। मनुष्य अपनी आवाज से भी दुनिया में पहचान बनाता है। पॉइंट टू, विभिन्न प्रकार की आवाज निकालने वाले यंत्र। तो विभिन्न प्रकार के आवाज निकालने वाले यंत्र हैं घड़ी, टेलीफोन, हारमोनियम, तबला, गिटार आदि। इन सभी यंत्रों से विभिन्न प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं। पॉइंट थ्री, मधुर आवाज बोलने वाले जंतु। तो मधुर आवाज बोलने वाले जो कि मिठास होती है, ऐसे जानवर हैं कोयल और मैना। नंबर फोर, तरह तरह की आवाजें। तो प्रत्येक वस्तु से तरह तरह की आवाजें होती है। सभी प्रकार सभी वस्तुओं में एक जैसी आवाजें नहीं आती है। जैसे कि थाली के जमीन पर गिरने की आवाज होती है ठन, कौवे की आवाज होती है काव काव, कुत्ते की भौंकने की आवाज होती है भौ भौ, मुर्गे की बांग की आवाज होती है कुकड़ुकू, स्कूल की घंटी की आवाज होती है टन टन, और दरवाजे को खोलने पर आवाज आती है चर चर। तो आवाजें अलग अलग प्रकार की होती है। आवाजों के द्वारा ही हम बहुत से कार्य कर सकते हैं। अगर आवाज ना हो तो बहुत से काम हम नहीं कर सकते। तो यह पाठ ही समाप्त होता है। इस पाठ से प्रश्न उत्तर खाली स्थान आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज दिया जाएगा, जिसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है। थैंक यू।